नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूँ आपके साथ प्रवीण यादव। गुजरात टाइटंस और सनराइजर हैदराबाद के बीच मुकाबले में गेंदबाजों का बोलबाला रहा। हैदराबाद की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने 5 विकेट झटके तो गुजरात की तरफ से मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा ने 4-4 विकेट लिए। इन तीनों की बेहतरीन गेंदबाजी के बाद पर्पल कैप की रेस में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। वहीं ऑरेंज कैप में भी शुभमन गिल के शतक के बाद बदलाव हुआ है। आइए जानते हैं। सबसे पहले पर्पल कैप की बात कर लेते हैं। मोहम्मद शमी ने SRH के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने 4 ओवर के स्पेल में 20 रन देकर 4 विकेट लिए, जिसमें से 3 विकेट तो उन्होंने पावर प्ले में ही झटके थे। इन 4 विकेटों की मदद से अब शमी पर्पल कैप की रेस में टॉप पर पहुंच गए हैं। शमी के नाम अब 13 मैचों में 23 विकेट हो गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर उन्हीं के टीम के साथी खिलाड़ी राशिद खान हैं। उनके नाम भी 13 मैचों में 23 विकेट है, लेकिन शमी का औसत राशिद खान से थोड़ा बेहतर है। वहीं इसके बाद तीसरे नंबर पर युजवेंद्र चहल हैं, जिनके नाम 13 मैचों में 21 विकेट है। चौथे नंबर पर पीयूष चावला 19 विकेट और पांचवें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती भी 19 विकेट के साथ हैं। वहीं मोहित शर्मा भी इस रेस में बने हुए हैं और 4 विकेट लेकर वो 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। मोहित के नाम 13 मैचों में 17 विकेट हो गए हैं, जबकि भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने इस सीजन का पहला 5 विकेट हॉल लिया है, वो 12 मैचों में 14 विकेट ले चुके हैं। वहीं ऑरेंज कैप की बात करें तो पहले नंबर पर RCB के कप्तान फाफ डुप्लेसिस हैं, जिनके नाम 13 मैचों में 631 रन है। बता दें कि फाफ ने इस सीजन में सबसे ज़्यादा 34 छक्के भी लगाए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर गुजरात की तरफ से शतक लगाने वाले शुभमन गिल हैं, जिनके नाम 13 मैचों में 576 रन हो गए हैं। वहीं तीसरे नंबर पर एक और इस सीजन के शतकवीर यशस्वी जायसवाल हैं, जो गिल से सिर्फ 1 रन पीछे हैं, यानी उनके 13 मैचों में 575 रन है। वहीं चौथे नंबर पर CSK के डिवॉन कॉनवे हैं, जिनके नाम 13 मैचों में 498 रन है। और पांचवें नंबर पर सूर्य कुमार यादव हैं, जिन्होंने 12 मैचों में 479 रन बनाए हैं। वहीं आज शाम का मुकाबला मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच है। ऐसे में पीयूष चावला पर्पल कैप और सूर्य कुमार यादव ऑरेंज कैप की रेस में और आगे निकल सकते हैं। बता दें कि यह मुकाबला मुंबई और लखनऊ दोनों के लिए प्लेऑफ के नजरिए से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसे देखना ना भूलिए। और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए क्रिकेट केसरी को भी देखते रहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।